इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के वीडियो हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहिए, ये मेरा मतलब सजेशन है, आपको देना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो जरूर दें आंसर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए क्या करें, सभी लोग तैयार हो, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें वीडियो, जल्दी बताइए। हाय श्रेया, हाय श्रेया, अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर क्वालिटी आप अपनी अच्छी कर लीजिएगा। हेलो हेलो रिया जी, हाँ आपको इंटरनेट पूल में दिक्कत था तो मैं अभी क्वेश्चन से करवा रहा हूँ, उसमें हम रिवीजन भी एक तरीके से कर लेंगे और देख भी लेंगे। जो इम्पोर्टेंट रिवीजन जो इसका हो सकता है वो ये है, कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक करके करवा रहा हूँ, आपको सबका आंसर दे देना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है तो करवाओ, ये सब इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा वाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ, दिख रहा होगा बता दूंगा, यक्षा लिखा है क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर बताइए। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन लिखा है हु वॉज यक्षा, वाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा। जल्दी इसका आंसर बताइए। सेकेंड Why did Yudhishthira ask for Nakula's life? ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आस्क जगह चूज हो सकता है कि वाई डिड युधिष्ठिरा चूज नकुलाज लाइफ, ये भी हो सकता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन the world according to Yudhishthira? Come on, listen now. According to Yudhishthira? Question mark. D. नमस्कार डिंपल जी। तो यक्षा वॉज
Yama, the Lord of Death. He had taken the form of Yaksha to see, destroy and test his knowledge. Yaksha was Yama, the Lord of Death. He had taken the form of Yaksha to test Yudhishthira's knowledge, as he was famous for that. So, मेरा नेट स्लो है, चल रहा है, सही से चलता ही नहीं है. तो बेटा आप थोड़ा नेट बचा कर रखा करिए ना आप लोग. Yaksha was Yama. Yama को आप कोट में लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ. Yaksha was Yama, the Lord of Death. He had taken the form of Yaksha to see and test Yudhishthira. ठीक है. हेलो नमस्कार डिंपल जी. Yudhishthira asked for Nakula's life because he was the son only of his second. ना गड़बड़ है, श्रेया पांडे कुछ गड़बड़ है. He was the only son of his father's second wife and he was wanted to become balance the scale of justice. Maybe even बताने जरूरत नहीं थी. He also wanted to balance the scale of justice. बस खत्म. Maybe even बताने जरूरत नहीं. Maybe even आप काट सकते हो. ठीक. चलिए रिया प्रयास करिए. क्यों नहीं आएगा आपको, प्रयास करिए. आपको बस क्वेश्चन याद करना है. देखो मैं हिंदी बता दे रहा हूँ. अगर हिंदी में याद हो बताइए आपको हिंदी में याद है कि नहीं. यक्षा कौन थे और उन्होंने यक्षा का रूप क्यों लिया. तो दूसरा लिखा है युधिष्ठिरा ने नकुला के लाइफ को क्यों कहा, अर्थात उन्होंने क्यों नकुला's लाइफ को बचाने के लिए कहा. नकुला के लाइफ को बचाने के लिए को क्यों कहा. यहाँ आक्स मतलब है कहना. ठीक चलते हैं. How, according to Yudhishthira, can a man become happy and rich? और लास्ट क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन एक चैप्टर से. मैं पांच क्वेश्चन बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, एकदम ध्यान सुनिएगा. आप रुक जाइए जरा. देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दो तीन क्वेश्चन कवर अप हो जा रहे हैं. व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलस लाइफ, नकुल के लाइफ को क्यों चूज किया था युधिष्ठिर ने. इसका जो आंसर है वो किसी एक और क्वेश्चन का आंसर है. वो क्या है, यक्षा क्यों खुश हुए थे युधिष्ठिर से. याद करो यक्षा क्यों खुश हुए थे युधिष्ठिर से. तो क्या आंसर दोगे, यक्षा खुश हुए थे युधिष्ठिर से इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को बचाने की बात की थी, ताकि जो जस्टिस है, जस्टिस का जो स्केल है वो बैलेंस बना रहे उसका. तो देखा जाए तो इसमें दो क्वेश्चन, मैं इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि यक्षा क्यों प्लीज हुए थे युधिष्ठिरा से. तो तैयार जरूर कर लीजिएगा वो वाला क्वेश्चन, प्लीज वाला. मैं उसको नोट नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन वो वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि वो भी इंपॉर्टेंट है. वो सिमिलर इसी की तरह है, बस लिखने का तरीका आपका बदल जाएगा, लेकिन जो कंटेंट मेन कंटेंट है वही कंटेंट है कि वो बैलेंस बनाना चाह रहे थे उसके जस्टिस पे. ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे नकुल का आंसर देना पड़ेगा, और जब प्लीज का आंसर दोगे तो बस लिखने का तरीका बदल जाएगा. How did Yaksha? How did the Yaksha reward this children? Question mark. चल.
जितने नोट ट्राई किया है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। रेबल नेट, हाँ नेट स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों आज। चलिए एक और चीज आपको मैं बता दूं कि ध्यान दीजिएगा जो मैंने जो दूसरा क्वेश्चन करवाया है, इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि युधिष्ठिर से यक्षा क्यों प्लीज हुए थे, क्यों खुश हुए थे। तो इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। जो मैंने अभी भी बोला है उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन उसको नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो मैंने जो क्वेश्चन बताया उसको भी टिक कर लीजिए। समझ में आ गया आप लोग को?